मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए? इतने सारे युवा मित्र यहां पर है, आवाज ऐसी होगी क्या? दिग्दिगंत तक आवाज जानी चाहिए। इतने बड़े आवाज से भारत मां का जयकारा करिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक दोनों हाथ। भारत को महान बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मंच पर मीडिया वाले मित्र जरा सेट कर बैठ जाए, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। कैमरा सेट कर प्लीज कृपया बैठ जाइए। मेरे युवा मित्रों के साथ मेरी आंख मिलनी चाहिए भाई। धन्यवाद। आज के ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित ब्रह्म ऋषि गुरुदेव जी, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज जिनका जन्मदिन भी है, ऐसे श्री बसवराज बोम्मई जी, जिन्होंने कर्नाटक के किसान, कर्नाटक की इंडस्ट्री और कर्नाटक के ग्रामीण विकास को एक नई दिशा दी, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता श्री बीएस येदुरप्पा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केएलई सोसाइटी के ही स्टूडेंट श्रीमान जगदीश सेठर जी, मेरे मित्र और यहीं से सांसद और केंद्र में मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं और जिन्होंने केएलई सोसाइटी को एक नई ऊर्जा, नई गति प्रदान की है, ऐसे डॉक्टर प्रभाकर कोरे जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री भाई मृगेश निरानी जी, हमारे मंत्री श्री शंकर पाटिल जी, श्री सीसी पाटिल जी और यहां पर उपस्थित कुलपति केएलई टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अशोक सेट्टार जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी गुरुजन, और आज जिनके साथ बात करने के लिए मैं आया हूं, प्यारे विद्यार्थियों, युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। साच अर्थ में आज यहां पर आना और आपके अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मित्रों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि भारत का भी आजादी का अमृत महोत्सव इसी वर्ष चल रहा है और 75 साल तक, आजादी से 75 साल की इस यात्रा में भारत ने समग्र विश्व के अंदर हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि हमारा स्थान मजबूत कर पूरी दुनिया को भारत की क्षमता का परिचय हमने कराया है। इसी वर्ष में मैं जब यहां आया हूं तब मैं सबसे पहले वो 5 गुरुजनों को हृदय से प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिनके विजन के कारण, जिनकी संवेदना के कारण केएलई सोसाइटी की स्थापना हुई है और आज लगभग 106-107 साल तक लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में विद्या का दीप जलाने का काम इस सोसाइटी ने किया है। मैं 12 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं, कई शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रमों में गया हूं,
कार्यक्रम में जाते हैं तो शिक्षा संस्थान का बैकग्राउंड, स्थापना, उद्देश्य, उनका परफॉर्मेंस, इसको स्वाभाविक रूप से पढ़ते हैं। मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं, और आपको तो मुझसे भी विशेष गर्व होना चाहिए क्योंकि आप इस संस्था में पढ़ रहे हैं, कि केएलई सोसाइटी अपने आप में एक ऐसी सोसाइटी है, सबसे अनूठी सोसाइटी है, जिसकी स्थापना 5 शिक्षकों ने निस्वार्थ रूप से सरस्वती साधना के लिए की है। समग्र देश और विश्व के अंदर कोई ऐसी सोसाइटी नहीं होगी, शिक्षा संस्थान नहीं होगा जिसकी स्थापना शिक्षकों ने की होगी। इस जमाने में जब कहते हैं कि शिक्षा का संपूर्ण व्यापारीकरण हो रहा है, उस वक्त मैं कोरे साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि केएलई सोसाइटी ने अपने स्थापना के सभी उद्देश्यों को समाहित किया है, संरक्षित किया है, और आगे बढ़ाकर गरीब से गरीब बच्चे का और गरीब से गरीब व्यक्ति का, बच्चे की शिक्षा और गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य को संभालने का काम कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देने चाहता हूं। मित्रों, आज महान स्वातंत्र सेनानी लाला लजपत राय जी की भी जन्मतिथि है। उनके योगदान को, उनके ऋण को ये देश कभी भूला नहीं सकता। अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तब लाल बाल पाल की ये त्रिपुटी ने पूरे भारत के युवाओं में चेतना जागृत करने का काम किया था, और शहीद भगत सिंह ने अगर कहीं से प्रेरणा ली थी तो लाला लजपत राय के चरणों में शपथ लेकर ली थी। आज लाला लजपत राय जी का जन्मदिन है। हमारे सबसे पहले भारतीय सेनाध्यक्ष के एम करियप्पा जी का भी आज जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी वीरता से भारतीय थल सेना के कई सारे लक्ष्य भी तय किए और कई सारे लक्ष्य अचीव भी किए। ये दोनों महानुभव को आज मैं यहां प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज एक इंडोर स्टेडियम का हम सब ने साथ में मिलकर उद्घाटन किया है। 3500 दर्शकों की बैठने वाली क्षमता वाला स्टेडियम, जिसके अंदर बैडमिंटन के 2 कोर्ट हैं, बास्केटबॉल के भी 1 कोर्ट है, वॉलीबॉल का भी 1 कोर्ट है, स्क्वाश के भी 2 कोर्ट है, टेबल टेनिस की 3 सुविधाएं हैं, और 2 अलग अलग लड़कों के लिए और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग जिम है। लगभग 25 करोड़ रुपया इस स्टेडियम के लिए खर्च किया गया है। मैं आशा रखता हूं कि केएलई सोसाइटी ने एक वादा मोदी जी को किया है कि बहुत जल्द कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी का कोई विद्यार्थी ओलंपिक खेलेगा, वो वादा जल्द पूरा होगा। मित्रों, आज 7 दूरदर्शी और सेवाभावी शिक्षकों ने स्थापना की हुई ये सोसाइटी बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान बननी है। 1916 से एक छोटे से स्कूल से यात्रा शुरू कर 294 इंस्टीट्यूशन तक आज ये यात्रा पहुंची है। लगभग 1,38,000 विद्यार्थी एनी टाइम, 1,38,000 विद्यार्थी एनी टाइम इस सोसाइटी में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और 107 साल तक बिल्कुल लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से इस सोसाइटी का चलना समग्र देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक शुभ लक्षण है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रभाकर जी और उनकी पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम जो सामने बैठी है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज लगभग 4,000 से ज्यादा बेड के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में केएलई सोसाइटी बहुत बड़ा योगदान कर रही है, जिसमें 1700 बेड ऐसे हैं जिसमें एक भी पैसा लिए बगैर गरीब से गरीब दर्दी का मुफ्त इलाज भी होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि लोगों के प्रति
सोसाइटी का समर्पण आज के जमाने में जस का तस बना है। केएलई टेक्निकल यूनिवर्सिटी के आज 1947 से लेकर आज तक ये बहुत उज्जवल इतिहास रहा है। ढेर सारे विद्यार्थी हैं जो यहां से निकलकर दुनिया के कई क्षेत्र में, देश के कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में अपना योगदान दिए हैं। बहुत बड़ी सूची है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, परंतु मंच पर जितने महानुभव बैठे हैं उसमें से ज्यादातर इसी सोसाइटी के विद्यार्थी हैं। इसलिए मैं सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब आजादी के अमृत महोत्सव में, मेरे सामने ढेर सारे छात्र बैठे हैं, युवा बैठे हैं। मैं युवा मित्रों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी नींव डालने का काम किया है जिस नींव पर आने वाले दिनों में महान भारत की रचना का, हमारे आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्वप्न पूरा होना होगा। आजादी के 75 साल का जब मौका आया, मोदी जी ने देश के सामने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का प्रस्ताव किया। इसके लिए तीन उद्देश्य रखे। एक, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के आजादी के संघर्ष को समझे, पढ़े, जाने और हमारे स्वतंत्र सेनानियों के जीवन से गौरव और शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में गढ़े। मित्रों, मेरा आपसे भी आग्रह है, आप आजादी के 90 साल के कालखंड को जरूर पढ़िएगा। लाखों लाखों लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तब जाकर आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनका हम पर ये ऋण। मैं कई बार युवाओं से बात करता हूं तो कहते हैं कि आपकी बात तो सही है मगर अब तो देश आजाद हो गया, हम देश के लिए शहीद नहीं हो सकते, देश के लिए जान नहीं दे सकते, हम मानते हैं। इस सबके भाग्य की बात नहीं, जो सेना में जवान है वो आज भी वो काम कर रहे हैं, मगर देश के लिए जान नहीं दे सकते हैं, मगर देश के लिए अपना जीवन जीने का अधिकार तो ईश्वर को आपको दिया है। हमें संकल्प क्या ले सकते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कि मैं जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल करूंगा, मेरा एक लक्ष्य होगा महान भारत की रचना करना, विश्व में भारत को सर्वप्रथम करना। मित्रों, अगर हम ये कर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, विश्व में सबसे बड़े टेक्नोक्रेट आप जरूर बनिए, मगर साथ साथ ये भी लक्ष्य रखिए कि मेरा भारत भी विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाए, सबसे पहले हो जाए और विश्व में सर्वप्रथम हो जाए। आप जरूर अपने व्यक्तिगत जीवन में ढेर सारी प्रसिद्धि, ढेर सारी समृद्धि कमाकर अपने जीवन में यशोगान प्राप्त करिए, मगर इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि भारत भी विश्व में सर्वप्रथम बन जाए। मित्रों, मोदी जी ने इसके लिए आप योगदान कर पाओ इसके लिए बहुत बड़ी पीठिका तैयार की है। और मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी पीठिका आपके लिए तैयार करी। 2014 में जब देश में परिवर्तन आया, मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले देश के अर्थतंत्र, देश दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में, दुनिया की इकोनॉमी के टेबल के अंदर भारत का नंबर 11वां था और 2004 से 14 तक वो 11वें नंबर पर चिपका रहा। मगर 2014 से 2022 सिर्फ 8 साल के अंदर ही हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं, ये बताता है कि देश की। और एक बहुत बड़े समूह ने आगाही करी है कि 2027 में भारत का अर्थतंत्र
दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। मित्रों, मोदी जी ने आपके लिए ही सपना संजोया है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने। अगर भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनता है तो आप जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी ढेर सारी संभावनाएं खड़ी होती है। 2022 में भारत ने 400 अबज अमेरिकी डॉलर का निर्यात का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। मित्रों, इसके साथ साथ ढेर सारी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिससे आपका मिशन पूरा हो सके। मैं स्टार्टअप का ही उदाहरण देना चाहता हूं। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत ने कभी भी कहीं भी इनिशिएटिव नहीं लिया था। 2014 में हमारी स्थिति सिर्फ 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। आज भारत में 70,000 से ज्यादा, 70,000 स्टार्टअप आज भारत के बन चुके हैं और इसमें 75 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने हैं और इसमें से 30% स्टार्टअप बच्चियों ने, छात्राओं ने बनाए। ये बताता है कि आपके लिए कितना बड़ी संभावनाएं विश्व के मंच पर बनाकर आपको दी गई है। अब आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको संकल्प लेना है कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और इसमें से 45% स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों के हैं। ये बताता है कि जिसमें जोश है, जिसमें क्षमता है, वो कहां रहता है वो कोई मायने नहीं रखता। जिसमें क्षमता है उसकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर 2015 से लेकर आज तक समग्र भारत को समग्र विश्व में उत्पादन का एक हब बनाने के लिए ढेर सारी एक्टिविटी की है और इसी के कारण हम 11वीं नंबर की तालिका से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। मित्रों, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन किसी भी देश का फ्यूचर, उसका भविष्य बताता है। 2013-14 में 3,000 एप्लीकेशन पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आती थी। आज 21-22 में 3,000 से बढ़कर 1.5 लाख एप्लीकेशन आती है, जो बताता है कि हमारे युवा रिसर्च के क्षेत्र में कितने होते हैं, आगे बढ़े हैं। 2013-14 में 3,000 में से 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे और 2021-22 में 211 से बढ़कर 24,000 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड किए गए हैं। ये बताता है कि हम कितने आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 4,30,00,000 लाभार्थी बनाए गए और 2,66,000 करोड़ का ऋण, छोटा छोटा लोन उनको देने का कार्यक्रम किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन ने आप लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खोली हैं। फिट इंडिया मिशन ने भी इसके साथ खेलो इंडिया और फिट इंडिया मिलकर युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी ढेर सारी संभावना की। इसके साथ साथ एनिमेशन, गेमिंग, कई सारे क्षेत्र के अंदर नई शुरुआत करने का काम किया है और सूर्योदय इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल और ग्रीन एनर्जी, ये सारे क्षेत्र आपके लिए खोलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मित्रों, परंपरागत सोच और परंपरागत ढांचे से बाहर निकले, नया सोचिए, साहस करिए और आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करिए। साहस करने वालों के पास ही लक्ष्मी आती है। हमारे गुजरात में कहते हैं सहासे लक्ष्मी वसती लक्ष्मी। मित्रों, सहासे वसते लक्ष्मी, जो साहस करता है उसी के पास लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करती है। आज ढेर सारे क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने बहुत सारी अपार संभावनाएं आपके लिए खोली है और प्रधानमंत्री जी ने
कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी बढ़ावा किया है। आईआईटी 16 थे, अब 23 है। आईआईएम 13 थे, अब 20 है। आईआईआईटी 9 थे, अब 25 है। एम्स पहले 7 थे, अब 22 है। मेडिकल कॉलेज 387 थी, अब 596 है। और कुल यूनिवर्सिटी देश में 723 थी और आज 723 से बढ़कर 1043 हुई है। ये बताता है कि शिक्षा का आधार और व्याप कितना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, कॉलेजों की संख्या को भी 36,000 से बढ़ाकर 48,000 तक ले जाने का काम किया है। मित्रों, बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी भारत में अपने कैंपस खोलने की परमिशन दी है और आज यहीं पर उत्तर कर्नाटक के अंदर ही हमारे प्रहलाद जोशी पीछे पड़ गए थे, इसलिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का आज कैंपस भी उत्तर कर्नाटक में आज से ही शुरू है। फॉरेंसिक साइंस का क्षेत्र आने वाले दिनों में देश में बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है और फॉरेंसिक साइंस के लिए ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स प्राप्त हो, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। मोदी जी का ये विजन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खोलने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में सुनिश्चित रूप से 6 साल से ज्यादा सजा है ऐसे सभी अपराधों के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। अगर ये होता है तो इस देश के अंदर कम से कम 50,000 से ज्यादा फॉरेंसिक साइंस के साइंटिस्ट चाहिए और इसके लिए आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर में है, इसका देश में 7वां कैंपस बनाने का काम यहां शुरू हो रहा है, वो भी आपकी संभावनाओं को खुलेगा। मित्रों, मैं अंत में युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक में मैंने एक बात पढ़ी है, बहुत छोटी परंतु सूचक बात है। आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते परंतु अपनी आदतों को बदल सकते। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते परंतु अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आपने आपकी आदतें बदल दी तो आपकी बदली हुई आदतें आपके भविष्य को निश्चित बदल देगी, निश्चित सुधार। इस दिशा में हम सोचे, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम भी एक संकल्प ले, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ले और देश के किसी क्षेत्र में योगदान करने के लिए भी दे। जब 2047 में देश की शताब्दी मनाई जाए तब हरेक क्षेत्र के अंदर हमारे महान देश दुनिया में सर्वप्रथम हो, ऐसे देश की रचना करने के लिए आप युवा जुड़ जाइए। मोदी जी की अपील पर, उनके आह्वान पर उनके साथ दीजिए और महान भारत की रचना में योगदान देने का अपना कर्तव्य हम पूरा करें। मैं फिर से एक बार केएलई सोसाइटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर जो युवा साथी यहां आए हैं उनकी भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय, आपके ओजस्वी एवं विचारशील वचनों से हम सबको आलोकित करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन और हॉनरेबल गेस्ट हैव टू लीव फॉर देयर नेक्स्ट प्रोग्राम बिकॉज ऑलरेडी दे आर डिलेड, सो आई वुड लाइक टू प्रपोज वर्ड ऑफ थैंक्स फॉर देम। फर्स्ट ऑफ ऑल I thank our Union Home Minister, Shri Amit Shah Ji,